आ रहा है। आप लोग अपने आप को देखिए, पहले नाश्ते में हलवा बनता था, पराठे बनते थे, है ना, पूरी बनती थी और सब खाते थे, सर्दियों में लड्डू बनते थे, लेकिन आज के बच्चों को तो मीठा पसंद ही नहीं है। आज के बच्चों को तो चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ये सब पसंद है, जो तो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल खराब है। तो खान पान में की बदलती तस्वीर इसी के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए, पिछले 10 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रहे, ये उत्तर भारत के भी शहर में उपलब्ध हो गए। आपने देखा ना, इडली सांभर हमारे यहाँ भी बनता है, गुजराती डिशेज भी बनती है, मतलब सारा खान पान एक दूसरे में मिक्स हो गया। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल जाएंगे। फास्ट फूड यानी कि तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल है। एक जमाने में कुछ लोगों तक की सीमित थी। चाइनीज नूडल अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप में तो कम से कम बच्चे पूरे सभी परिचित है। मैगी देखते रहिए 2 मिनट में बनके तैयार, ठीक है ना। तो आजकल फास्ट फूड का चलन ज्यादा हो गया है। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार के भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापन खूब तेजी से गलत में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकलियां गाठियां भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाई में केवल रसवाली चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन भी प्राय इस क्षेत्र में मिलते हैं। मतलब स्थानीय क्षेत्र विशेष के व्यंजन इसके साथ साथ दूसरे क्षेत्रों के व्यंजन भी मिलते हैं। मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। कुछ चीजें और भी हुई, मसलन अंग्रेजी राजा को ब्रेड केवल सहाबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों घरों में सेक भी तली जाते हैं। ब्रेड खाते से कस्बे बटर लगा के सेक कर या फिर सैंडविच बना के या दूध के साथ सिंपल। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है पर नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। बंबई के पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर हुई पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े, आगरा के पेड़े नमकीन में अब बात कहां रही। अब जितना आगरा पेड़े कोई नहीं खाता, यानी जो चीजें बची हुई है उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतु के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से व्यंजन और पकवान बना सकते थे। उन्हें बनाने की फुर्सत अब कितने लोगों में रह गई है। पहले जैसे आम से आम, आम का पका बनता था, पहले फ्रूट से भी मिठाइयां बनाई जाती थी, लेकिन अब महिलाओं के पास इतना टाइम नहीं है। अब ग्रहणियां या तो कामकाजी महिलाओं ने तरबूज के भी सुखाना, छीलना, फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुसाध्य है। यानी हम पाते हैं कि एक और स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने और पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें कभी कभार व्यंजन पुस्तिका के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहरी जीवन जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को इन चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता उन्हें बनाने और पकाने के बारे में कौन सोचेगा। मतलब फिर ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, अब इतनी महंगाई हो रही है कौन ड्राई फ्रूट्स लाए, तो क्या होता है वो चीजें फिर बनती ही नहीं है। खान पान की जो एक निश्चित संस्कृति बनी है इसमें सकारात्मक पक्ष भी है। गृहणियों और कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार हो जाने वाले भोजनों की विधियां उपलब्ध है, मतलब खान पान में जो मिक्स हो गया उससे कुछ लाभ भी हुए हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला। भले ही किन्हीं कारणों से किन्हीं खास रूपों में आजादी के बाद उद्योग धंधे, नौकरियां, तबादलों का एक नया विस्तार हुआ, उसके कारण खान पान की चीजें किसी एक देश से दूसरे देश में पहुंची है। बड़े शहरों के मध्यम वर्ग के स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो विभिन्न प्रदेशों में व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। हम खान पान में एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई
राष्ट्रीय एकता के बीज की तरह मिल सकते हैं। बीज भरी बातें तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली पानी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विषय जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है जिन्हें हम एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में कभी कभार मिलते रहे गौरव बाजारों में गायब हो जाए एक दुर्भाग्य होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़िया कचौड़िया जलेबी में बाजारों से गायब हो रही है तो क्या हो रहा है पेस्ट्री पेटीज ये सब आ रहा है मुझे मोस्टली सब्जियों से बने हुए समोसे अब कहाँ मिलते हैं कौन खाता है समोसा कचौड़ी कोई भी नहीं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अच्छा देने की पहले उत्तर भारत में चीजें गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत ऐसी चीजें अपना ली जो स्वाद और स्वास्थ्य की सस्ता के मामले में बहुत अनुकूल है। चूरमा है अब दाल चूरमा बाटी इसे क्या होता है घी बॉडी में जाता है अच्छा होता है बॉडी शरीर के लिए भी अच्छा होता है लेकिन आज के बच्चे खाते हैं क्या नहीं उनसे नहीं खाया जाता तो जब खाते नहीं है तो फिर मम्मी क्या बोलती है अरे घर में कोई खाता ही नहीं है तो बना के क्या करे तो धीरे धीरे वो चीजें बनना ही बंद हो जाती है। वो यह भी रहा है कि खान पान की विशेष संस्कृति में कई बार चीजों का अलग स्वाद दे पा रहे हैं।